चलो फ्रेंड, मैं हूँ गणेश। होममेड एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन हुआ था मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए बहुत लेट से वीडियो आ रहा है। तो फ्रेंड मुझे माफ़ कर देना, अब बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है क्योंकि आगे तो दिवाली आने वाला है, तो बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। तो आज हम इस चीज़ का, मैंने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीद के लाया था मार्केट से, अपलाइन मार्केट से खरीद के लाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे क्या होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चलो, उसका पहले जो है मल्टीमीटर का अनपैकेजिंग करते हैं। ये मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिला था, 150 रुपये में मिला था ऑफलाइन मार्केट से, और बहुत ही मस्त तरीके से ये काम कर रहा है, ये देख सकते हो। और उसके साथ भी हमको एक वायर मिला है, दोनों वायर मिला है, एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का वायर मिला है। तो फ्रेंड्स, अब जो रेड कलर का वायर था और ब्लैक कलर का जो वायर था, उसको हम मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब जो सेकंड जो होल है यहाँ पर देख सकते हो, इसमें हम रेड कलर का वायर कनेक्ट कर देंगे, और जो थर्ड में जो होल है उसके साथ ब्लैक कलर को कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है, 0-0 बिल्कुल दिख रहा है। और बैटरी को मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप का, पुराने लैपटॉप का बैटरी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो देख सकते हो, यहाँ पर हमारा लैपटॉप में बिल्कुल फुल चार्ज है, 3.48 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब सेकंड प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ग्लू गन का अनपैकेजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक ग्लू गन को खरीद के लाया, मुझे 180 रुपये में आसपास मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसको अनपैकेजिंग कर रहा हूँ। कंपोनेंट्स में खरीद के लाता हूँ, वो ऑफलाइन मार्केट से ही खरीद के लाता हूँ, कोई ऑनलाइन से मैं परचेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऑनलाइन से बहुत कॉस्टली मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब इस ग्लू गन की टेस्टिंग पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत मस्त तरीके से ग्लू निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही मस्त ग्लू निकलता है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दिया हूँ, और उसके साथ आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड को मैं यहाँ पर चिपका दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस ग्लू गन नहीं मिला है तो मुझे कमेंट में एक कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसको परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पर चिपक कर रखा है। तो फ्रेंड्स चलो, उसका दूसरी प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर डीसी प्रोजेक्ट की लिखा है, ये मुझे 25 रुपये में ऑफलाइन मार्केट से ही मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक एसपीएसटी स्विच मिल रहा है, और ये है 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर, और यहाँ पर देख सकते हो, ये छोटा वाला प्रोपुलर है, और ये डीसी मोटर है। ये सारे मिलाकर ये मुझे 25 रुपये में मिला है, और उसकी टेस्टिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक मैं 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मत सोचना कि ये सिर्फ 9 वोल्ट बैटरी से ही चलेगा, ये 4 वोल्ट बैटरी से भी चलता है, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सबसे जो कोई भी कंपोनेंट्स खरीद के लाया था, वो जल्द बहुत ही जल्द से मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, और मस्त तरीके का ही वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब उसके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक शोल्डर में खरीद के लाया था, ये मुझे 40 रुपये में अपलाइड मार्केट से मिला था। और यहाँ पर मैं कुछ एसपीएसटी स्विच को खरीद के लाया था, ये मुझे एक पीस को 3 रुपये में मिला था। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं 5 वोल्ट जो डीसी सर्किट आता है, इसको सैमसंग किट भी बोलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, ये है डीसी सर्किट, और ये डीसी का कनेक्टर, ये दोनों मिलाकर मुझे ये 20 रुपये में मिला था। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ LED खरीद के लाया था, ये ऑरेंज कलर का LED है। तो फ्रेंड्स, इस LED में बहुत अच्छा ब्राइट आ रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ ग्रीन LED को खरीद के लाया था, और जो ऑरेंज कलर का LED था, वो मुझे एक पीस को 2 रुपये में मिला था, और ऑरेंज जो ग्रीन LED है, वो मुझे 1 रुपये में मिला था एक पीस को। और यहाँ पर कुछ ब्लू LED भी मैं यहाँ पर खरीद के लाया था, और ये भी मुझे 1 रुपये में मिला था। और यह है बॉटम LED, ये मुझे एक पीस को 5 रुपये में मिला है। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी प्रोजेक्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो, मैं कुछ वायर को खरीद के लाया था, ये मुझे 1 मीटर को
3 रुपये में मिला था ऑफलाइन मार्केट से, और ये बार मुझे 1 रुपये में मिला था 1 मीटर को। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।